मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें, ईडी की पहली शिकायत पर भी केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट ने बुलाया था। अब एक बार फिर से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। आनंद तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर। आनंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी? ये देखिए पंकज, लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज जो दूसरी शिकायत थी जो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की थी, उस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। इसके पहले भी जो पहली शिकायत थी जो ईडी ने दर्ज कराई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें भी 16 मार्च की तारीख जो है वो मुकर्रर कोर्ट ने की थी। तो अब फिजिकल तौर पर 16 मार्च को जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होना होगा। जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें 8 सम्मन अब तक किए जा चुके हैं, तो कयास लगाया जा रहा है कि एक सम्मन जो है और अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा ताकि वो ईडी की पूछताछ में शामिल हो। बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आनंद तिवारी आपका। और मॉर्निंग